नेता जी, मैंने जो अभी तक अपनी जिंदगी जी है, जितनी भी जी है, मैंने एक चीज का अनुभव किया इस संसार में, पूरे विश्व में हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें। लेकिन इसके पीछे जितना अत्याचार हम लोगों ने सहा है, उससे ज्यादा किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के लोगों ने नहीं सहा है। उसकी मिसाल यह है कि हम धीरे धीरे घटते 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 हिंदुस्तान में भी हिंदू कहलाने में हमको शर्माने लग गई है, और माथे पे तिलक दिख जाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये वजह हमारी सहनशीलता, हमने इतना सहा। दूसरी बात, हम अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहते हैं, बनेगा ही, चाहे देर से चाहे अभी नहीं आया तो नहीं, फैसला नहीं आया, फैसला आएगा, क्योंकि सत्य में वजह थे। श्वेता जी, आप सत्य को नहीं झुठला सकती, सत्य और तथ्य। राम कौन है? तीनों कालों में बाधित न जो हो वही राम है। राम तब भी थे, राम नाम सत्य है, राम तब भी थे, राम नाम सत्य है, राम आज भी है, राम नाम सत्य है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोग बहुत लंबी लंबी बहस कर रहे थे, मैं आराम से सुन रहा था, क्योंकि मेरा स्वभाव बीच में बोलने का नहीं, मैं कथाकार हूँ तो मैं बड़ा आराम से बोलता हूँ। आज मैं आराम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, आप क्योंकि बहुत बड़ी एंकर हैं, इन सब से ये हमेशा बहस में आते हैं, और उन जनता से जो व्यूअर्स हैं जो आपके सुन रहे हैं, आपको कैसा व्यक्ति चाहिए? बाबर जो तोड़फोड़ करता है, बाबर जो छीन करता है, जो लूटपाट करता है, बाबर जो दूसरों का मर्डर करके दूसरों की चीजों को हत्या लेता है, या फिर राम जो त्याग करता है, जो अपने राज्य को सुख देने के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर देता है? कैसा हमें कौन चाहिए? एक वो जो अपने भाई के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ के चला जाता है, एक वो बेटा जो अपनी सौतेली माँ के कहने से वनवास के लिए चला जाता है, एक वो भाई जो अपने भाई के लिए सर्वस्व त्याग कर चला जाता है, एक वो मित्र, एक वो शत्रु जो अपने शत्रु का सम्मान करने के लिए भी अपनी, जिस शत्रु कौन सा, एक सेकंड लूंगा जी, रावण जैसा शत्रु जो सीता जी का हरण करके ले गया, उस शत्रु से भी लड़ने जाता है तो पहले उसे रिस्पेक्ट देता है, 3 बार मैसेज भेजता है कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, आप हमारी पत्नी दे दो, हम वापस चले जाएंगे। ये पूरी दुनिया को कैसा मंदिर या मस्जिद, मस्जिद उसकी जो तोड़फोड़ लूटपाट इज्जत की सब ध्वंस कर देता है, और एक मंदिर उसका जो पूरी मानवता का सबसे बड़ा मैप है, नाम है, आदर्श है, वो राम जो सबके लिए महान है। अगर 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 वो राम, मैं कह रहा हूं भाईचारा, ये लोग भाईचारे की बात करते, एक सेकंड, भाईचारे की बात करते हैं, कैसा भाईचारा? जहां हम लोग मेनोज कम रहते हैं वहां इनका भाईचारा नहीं दिखता, और जहां ये लोग कम होते हैं वहां भाईचारा दिखता है। अगर भाईचारे की शुरुआत करनी है तो इससे बेटर इनको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये मंदिर के लिए जगह छोड़ें और कहें कि आप वहां मंदिर बनाइए और हम इनके लिए मस्जिद अलग जगह पे बनाएंगे, ये है भाईचारा।